15 दिन के लिए इमरान खान को बाहर निकाल दे, 8 फरवरी को इलेक्शन करे, 10 फरवरी को नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाए, 11 फरवरी को इमरान खान को लाए, शायद एक महीने में ये वाली हुकूमत, इतनी कमजोर हुकूमत जो नून लीग को मिलने जा रही है, वो टिक पाएगी। तो ग्राउंड जो है वो साफ किया जा रहा है नवाज शरीफ को जो इम्पोर्ट करके लाया गया है, इसका मतलब यही था कि यार नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाना है। लेकिन इमरान खान को एकदम से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो रिलीफ मिला साइफर केस में, उनकी जमानत हुई, ये वाहिर ऐसा मुकदमा था जिस पर इमरान खान साहब को सजाए मौत भी हो सकती थी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत ही अजीब और गरीब खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इस ब्लॉग में पूरी दुनिया को पता चल चुका है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान में भी ऐसी खबरें उनकी मीडिया पर दिखाई जा रही है। सोशल मीडिया पर तो लातादाद वीडियोस वायरल हो रही है कि तहरीके इंसाफ के जो उम्मीदवार है वो खुद या वो अपने किसी नुमाइंदे को जब कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए आर ओ ऑफिस जाते हैं तो वहां पर उनके साथ क्या रवैया किया जाता है, इवन खवातीन से कागजात छीने जाते हैं, गिरफ्तारियां हो रही है, उठाकर गाड़ियों में डाला जा रहा है। तो तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ नजर आ रहा है कि ज्यादती है। लेकिन ये पहली बार बदकिस्मती से पाकिस्तान में नहीं हो रहा, जब भी इलेक्शंस होते हैं तो जो जमात ज़ेर आताब होती है उनके साथ ये रवैया रहा है। आजकल ये सब कुछ जो आपको नजर आ रहा है उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि आजकल सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में मौजूद है, इस वजह से आप लोग को नजर आ रहा है कि जुल्म बहुत ही ज्यादा हो रहा है। लेकिन ये पहली मरतबा नहीं हो रहा, बल्कि इससे पहले भी कई मरतबा ये जुल्म और जबर हो चुका है। 2018 से पहले नवाज शरीफ की पार्टी के साथ ये रवैया अपनाया गया है, उससे पहले पीपल्स पार्टी के साथ ये रवैया अपनाया गया। तो हर दौर में जो जमात फेवरेट होती है, एस्टेब्लिशमेंट के करीब हो जाती है, तो फिर उनको ऐसी सहूलतें दी जाती है, उनके मुखालफी जो अगर ताकतवर होते हैं, जिस तरह आजकल एस्टेब्लिशमेंट की मुखालिफ जमात पीटीआई है और वो ताकतवर है, अवाम के अंदर उनको काफी पसीदाई मिली है, तो इसलिए उन लोगों को आज कल आप देख सकते हैं कि क्या रवैया उनके साथ किया जा रहा है। इवन खवातीन के अंदर घरों में पुलिस जा रही है वहां पर। खैर, मैं मरियम औरंगजेब साहब के लिए वीडियो बना रहा हूं कि उन्होंने बड़े अजीब और गरीब प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल, अजीब से बयानात मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं। मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उन्होंने इमरान खान साहब को कहा कि वो पहले जो है लाडले थे, 2018 में उनको लाडला कहकर हम पर मुसल्लत किया गया और अब उनको मासूम बनाकर पेश किया जा रहा है। इसी तरह हिना परवेज भट्ट साहिबा जो है वो भी इस वक्त इमरान खान साहब से खासी खुश नहीं है। मतलब हिना परवेज भट्ट साहिबा के बयानात, उनके ट्वीट्स अगर हम देखते हैं, मरियम औरंगजेब साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं, तो बहुत ही मतलब आप समझ सकते हैं कि कंफ्यूजन पैदा हो जाती है मीडिया के तबके में, अवाम में भी इवन, कि ये क्या हो रहा है। ग्राउंड जो है वो साफ किया जा रहा है नवाज शरीफ को जो इम्पोर्ट करके लाया गया है, इसका मतलब यही था कि यार नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाना है। लेकिन इमरान खान को एकदम से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो रिलीफ मिला साइफर केस में, उनकी जमानत हुई, ये वाहिर ऐसा मुकदमा था जिस पर इमरान खान साहब को सजाए मौत भी हो सकती थी, क्योंकि ये एक सीक्रेट कोर्ट का मामला था, सीक्रेट एक्ट का मामला था, बहुत मुश्किल केस था। और इवन जस्टिस अतर मिनल्लाह, जो कि कहा जाता है कि इमरान खान के पार्टी के खिलाफ फैसले देते, वो जज कह रहे कि इमरान खान साहब इस मामले में मासूम है। तो इस अदलिया के इस फैसले से नून लीग खासी परेशान नजर आ रही है। मरियम औरंगजेब साहिबा के बयान कि जिसने साइफर का लिफाफा निकाला, आईन तोड़ा, कौमी असम्बली तोड़ी, अपने वजरा के जरिए आईन तोड़वाया, वजीर कानून के जरिए आईन तोड़वाया, स्पीकर से आईन की खिलाफ वर्जी करवाई, क्या ये मासूम है। मतलब इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करवाई जा रही है मरियम औरंगजेब साहिबा पीएमएलएन को तो रिप्रेजेंट करती है, लेकिन मरियम औरंगजेब साहिबा जो शरीफ खानदान है उसकी भी तर्जुमान है, उनको भी रिप्रेजेंट करती है। सारे मामले में, सारे सिनेरियो में नवाज शरीफ खामोश है। नवाज शरीफ चाह रहे कि मैं खामोश रहूं, जलसे भी ना करूं, जुलूस भी ना करूं, कुछ भी ना करूं, बस मुझे आप उठाकर वजीर आजम बना दे 2-3 साल के लिए। उनको पता है, नवाज शरीफ को पता है कि 2-3 साल बाद मुझे भी ना अहल किया जाएगा, मुझे भी गरेबान से पकड़कर यहां से बाहर निकाल दिया जाएगा, उसको भी तसल्ली है इस चीज की। लेकिन जो फैसला आया है इमरान खान साहब के हवाले से और उनके साथी शाह महमूद कुरैशी के हवाले से, इससे नून लीग खासे परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। उनकी परेशानी आया है इस वक्त, न जाने क्या हो रहा है, बैकडोर पर क्या डिप्लोमेसी चल रही है। और इसी तरह इलेक्शन के हवाले से जो खबरें आ रही है कि इलेक्शन 1-2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इलेक्शन होगा जरूर। शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया इलेक्शन के हवाले से कि 8 फरवरी को होगा, ये बहुत बड़ा फैसला था पाकिस्तान की आवाम के लिए, जमहूरियत के लिए। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं मेंशन कर दूं, बड़ी अहम बात है कि इस वक्त जो काकड़ साहब की गवर्नमेंट है, निगरान हुकूमत, 131 दिन इनको गुजर चुके हैं, और ये जो निगरान सेटअप है ये पाकिस्तान की तारीख का तवील तरीन निगरान सेटअप या निगरान हुकूमत बन चुकी है। और निगरान हुकूमत किस तरह से नवाज शरीफ की जमात को
सपोर्ट कर रही है ग्राउंड लेवल पर और मुखालफिन को किस तरह से धमका रही है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन इमरान खान के हवाले से जो फैसला है, इस हवाले से नून लीग की परेशानी से ये चीजें वाजे होती है कि शायद नून लीग को पंजाब में भी एडजस्टमेंट करनी पड़ जाए, वो चाहे तो पीपल्स पार्टी के साथ करनी पड़ जाए या फिर पीआईपी जो है सॉरी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन अलीम खान के साथ करना पड़ जाए। और वफाक में अगर हम देखेंगे तो नून लीग की हुकूमत जो है पहले की निस्बत बहुत कमजोर होगी। नून लीग 170-80 नंबर के साथ और अपने जो इत्तेहादी है उनके साथ भी हुकूमत कर चुकी है और अपनी हुकूमत अपने वजीर आजम को नहीं बचा सके, कोई ऐसा कानून नहीं पास कर सके। लेकिन इन कम नंबरों के साथ अगर नून लीग असेंबली में जाती है तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप सिर्फ 15 दिन के लिए इमरान खान को बाहर निकाल दें, 8 फरवरी को इलेक्शन करें, 10 फरवरी को नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाएं, 11 फरवरी को इमरान खान को लाए, शायद एक महीने में ये वाली हुकूमत, इतनी कमजोर हुकूमत जो नून लीग को मिलने जा रही है वो टिक पाएगी। अगले व्लॉग में बात करेंगे कि पंजाब का अगला वजीर आला कौन होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह।